सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में। मेरा नाम है भूमिका और अभी आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक ज्ञान। दोस्तों, आज हम जानेंगे चक्कर आने पर अपनाए जाने वाले 3 घरेलू उपाय। तो आइए जानते हैं। पहला उपाय, 10 से 50 मिलीलीटर अदरक एवं तुलसी के 5 मिलीलीटर रस को शहद में लेने से अथवा सौंफ तथा मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर 2 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लेने से चक्कर आने पर लाभ होता है। दूसरा उपाय, 6 ग्राम धनिया एवं 6 ग्राम आंवले को अदकूटा पीसकर रात्रि को पानी में भिगोकर सुबह छानकर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से लाभ होता है। तीसरा उपाय, रात्रि को 11 या 21 बादाम पानी में भिगो दें, सुबह में बादाम का छिलका निकालकर बादाम को पीसकर उसमें 3 छोटी इलायची 3 काली मिर्च डालकर दूध के साथ उबालकर ठंडा करके 8-10 दिन पीना चाहिए। डायबिटीज ना हो तो मिश्री डालें। बादाम को जितना ज्यादा पीसेंगे उतनी ज्यादा गुणकारक होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।